वो हुसैनी दूल्हा जिसको पता चला कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में अकेले हैं और हजारों का लश्कर है और आपके साथ चंद रफका हैं, वो चंद दिन की बिहाती दुल्हन को छोड़कर इमाम अली मकाम पर शहीद हो गए हुसैनी दूल्हे। आपके वो साथी वो रफका के जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के काफिले में थे, इनको इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बेहद समझाया कि आप लोग चले जाओ, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं आपके नहीं। लेकिन क्या वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़कर गए? नहीं, बल्कि इनमें बाजों के तो ऐसे जज्बात थे, देखिए मोहब्बत इमाम हुसैन की बात है, बाजों के ऐसे जज्बात थे कि ए इमाम हम आपको छोड़कर चले जाए, इस हाल में कि ना अभी हमने आपके लिए तीर चलाया, ना आपके लिए नेजा मारा, ना आपके लिए कुछ किया, क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे जब लोग कहेंगे कि हमारे सरदार को तुम किन के हवाले कर आए? इमाम क्या आप ये तस्वर करते हैं? ना, हम उस जिंदगी से अल्लाह की पनाह चाहते हैं जो जिंदगी आपके बाद हमें मिले, हम आपके बगैर आपके बाद जीना नहीं चाहते, हम आपको छोड़कर चले जाए, आपको दुश्मनों के हवाले करके चले जाए, और हमें यह भी ना पता चले कि हमारे चले आने के बाद दुश्मनों ने आपके साथ क्या सुलूक किया, और आप हमें कह रहे हैं कि चले जाए? ना इमाम, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी और अपने बच्चों की जाने आपके कदमों पर कुर्बान करेंगे। जब तक हम बाकी हैं दुश्मन आप तक नहीं पहुंच सकता, और यही हुआ, जब तक एक एक बाकी था यजीदी मेरे आका इमाम हुसैन तक नहीं पहुंच सके, नहीं पहुंच सके। मोहब्बत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जान कुर्बान कर दी, ए गुलामान इमाम हुसैन, ए आशिकान इमाम हुसैन, ए आशिकान शहदाए करबला, ए आशिकान सहाबा और अहले बैत, ए आशिकान खुलफाए राशिदीन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इमाम अली मकाम की मोहब्बत में और सहाबाए कराम की मोहब्बत में गुनाह नहीं छोड़ सकते, बुराई नहीं छोड़ सकते, दुनिया की मोहब्बत नहीं छोड़ सकते, हराम माल नहीं छोड़ सकते, रिश्वत सूद नहीं छोड़ सकते। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो दाढ़ी वाले थे, सहाबा कराम सारे के सारे दाढ़ी वाले थे, आपके इश्क को मोहब्बत को ललकार रहा, सिर्फ दावा करने से कुछ नहीं होता, दलील देनी पड़ती है, अपने अंदर मदनी इनकलाब बरपा कीजिए।